हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लासेस हैं उनके लिए कोई खास चीज नहीं है इस बार। बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, गंदगी का ढेर बना हुआ है, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए। सारा कुछ ऑन पेपर ही होता है, एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ ऑन पेपर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है और हमारे साथ इस बजट पर बातचीत करने के लिए महिलाएं हैं। महिलाओं से इस वजह से बात करेंगे क्योंकि आप तमाम लोग गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, तो इस बार के बजट को कैसे देखती हैं आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो घर में गृहिणी खाना वाना बनाती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ बजट ऐसा बनाया जाए उनको कोई दिक्कत ना हो और हर चीज़ को इतना महंगा ना किया जाए कि वो परेशान हो जाए। और जब कम होता है, बहुत चीज़ महंगी होती तो फिर लोग पूरी तरह से अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं। गरीब तबके के लोग तो खासकर इन सब चीज़ों को झेलते हैं, तो मैं चाहती हूँ बजट ऐसा हो जो सबके लिए यूज़फुल हो। जैसे इस बार का बजट पेश किया गया, इसमें महिलाओं में प्राथमिकता ज़्यादा दी गई, महिला अस्पताल बनाए जाएंगे बताया जा रहा है, और तमाम ऐसी महिलाओं की जो भागीदारी है उसको आगे बढ़ाया जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा हुई, तो कैसे देखती हैं इस बार के बजट को आप? देखिए, इस बार क्या है, जो पुअर लेडीज़ के लिए और किसानों के लिए, शायद लेडीज़ के लिए काफ़ी कुछ आया है इसमें और हम, और मुझे शिकायत, ठीक है वो हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लासेस हैं उनके लिए कोई खास चीज़ नहीं है इस बार। ये अक्सर नहीं ही होती है और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं है। जो है वो हॉस्पिटल के लिए भी लेडीज़ को शुरू से दिया ही जा रहा है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग लेडीज़ हैं या बीमार ओल्ड लेडीज़ हैं, उनके लिए है सब कुछ, लेकिन जो हम लोग के लिए है, हम लोग का इसमें कुछ नहीं है। तो हम यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, इस बार मोदी जी से भी और निर्मला मैडम से भी, कि भाई हम लोग के लिए भी कुछ करें अच्छा इस बार मिडिल क्लास लेडीज़ के लिए। आप संतुष्ट हैं इस बार के बजट से? नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सच में हम गृहिणियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है बिकॉज ऑफ़ द बजट एंड ऑल, बिकॉज़ ये इशू बहुत ही बड़ा मुद्दा है एक्चुअली, क्योंकि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। जो लोअर क्लास है उनको गवर्नमेंट इज़ गिविंग ऑल द फैसिलिटीज़ फ्री दे आर गेटिंग, एंड जो एकदम हाई क्लास है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर देम, बट जो मिडिल क्लास जो आता है वो नीचे से भी ऊपर से भी सब जगह से सफ़र करता है। और रही बजट की बात, तो किचन में जो बेसिक हमारी नीड्स हैं दे ऑल आर सो कॉस्टली, हर चीज़ में रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि उनको मतलब मैनेज करना इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट नाउ, बट ये है कि अब किसी तरह वो करके बजट करते हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, दिस इज़ इट। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से, क्योंकि बता रही है मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं बजट? बात सबकी वही है, महिलाएं जहां हैं तो रसोई से दूर नहीं रह सकती, रसोई के बारे में सोचना, लेकिन उसके अलावा हम लोग सर्विस क्लास लोग हैं उसमें महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, जो हम लोग अपनी ओर से इनिशिएटिव लग रहे हैं आजकल, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह काफ़ी हाइप्ड हैं और बहुत ऐड चल रही है, बड़े बड़े इसके लिए सेमिनार्स चल रहे हैं कि भाई हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एक बार हिम्मत करके हम लोग अगर उसमें करते हैं तो उसमें टैक्स स्लैब में हम आ जा रहे हैं, उसमें कुछ एग्जेम्पशन लेडीज़ को मिलना चाहिए। और बजट तो आते हैं, आधे लोग नाराज़ होते हैं, आधे खुश होते हैं, तकलीफ़ इस उम्र में आके देश के 75 साल आज़ादी के मनाने के बाद भी एक पॉइंट पे हम लोग आती है, आप जितनी योजनाएं बनानी है बनाओ, जितना पैसा लगाना है लगा, लेकिन पलट के देखो तो सही कि वो लोग अपनी चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि नहीं। हमें होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा, हमें सुनता हुआ दिख रहा है खाली। अब हम लोग मजाक करने लगे हैं लोगों से कि मोदी जी की प्लानिंग मत सुनाओ, काम करके दिखाओ। पेंशन वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, लेडीज़ को एटलीस्ट उसमें छोड़ दें, जो हम लोग हैं हाउसवाइफ्स हैं, हम लोगों को थोड़ा सा फ्री करें कि हम लोग सोच सकें अपनी सेविंग करने के लिए, अपने आप अपना पैसा बनाने के लिए। उसमें भी हम लोग टैक्स स्लैब में आ जा रहे हैं तो थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाना। महंगाई की बात आपने की थी, अभी कैसे घर चला रही हैं, क्या क्या बहुत महंगा है, सब्जियां क्या भाव है, जैसे दाल है बहुत महंगी है, इवन लौकी 80 रुपए किलो आ रही है, कद्दू हमारा 60 रुपए किलो है जो कि हम लोग किसी गिनती में नहीं गिनते हैं, टमाटर तो है ही है 100 रुपए के ऊपर ही है, बल्कि इस तरफ और ज़्यादा होंगे, तो हम लोग तो थोक की मंडी से लाते हैं, वहाँ के दाम बता रही हूँ मैं। तो अब ये है कि भाई ठीक है, आप लोग कहते, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि बारिश है, सूखा है, ये है वो है, वो तो हमेशा ही होता है,
लेकिन ये कि कुछ तो करें ना, दाल है कि दाल हम लोग को कहाँ पे, हम लोग को कैसे कंफर्टेबली हम लोग को ये चीज़ अवेलेबल हो, ये है मुद्दा। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी कॉस्टली, वो हम सबका प्रॉब्लम है, हर घर में ये बेसिक प्रॉब्लम है। बट ये है कि मुद्दा ये है कि इनको कैसे वो रेट्स वगैरह डाउन हो, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं जो इस रेट में बेच रहे हैं, क्योंकि उनको भी अवेलेबिलिटी उसी कॉस्ट में हो रही है, उनके लिए भी दिक्कत है। तो मुद्दा वही है कि बेसिक नीड से अगर गवर्नमेंट वर्क करे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नए नए वो आइडियाज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन में कमी है कि वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सबका ऊपर जा रहा है, बट नीचे जहाँ ज़मीन से कि ये शुरुआत हुई है ढंग से कि नहीं हुई है, उस पे हो नहीं रहा है और ना गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को बेसिक से फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करके अगर वो देखें, तब उन्हें समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या कमी है। बजट की बात की जाए तो बजट में महंगाई की बात बात नहीं हुई, इससे आप लोग असंतुष्ट हैं? नहीं, जो मेरे साथी जैसी हैं, ये मैं ये स्पष्ट कह सकती हूँ कि हम लोगों को लौकी कद्दू पे सरकार नहीं देखनी है। चीनी तेल भी मना है डॉक्टरों के हिसाब से, तो हम लोग वो भी बिना खाए रह लेंगे। लेकिन और जो फैसिलिटीज़ हैं और जो चीज़ें हैं, हम लोगों को जो सपने दिखाए जाते हैं ना कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, तो उसका कुछ होता नहीं। सड़क पर झाड़ू तक के लिए हम लोग परेशान हैं कि वो नहीं हो रहा। नगर निगम से कनेक्ट होके एक एक मोहल्ले को क्यों नहीं क्लीन करते, एक एक चीज, वो आदमी काम क्यों नहीं कर रहा है जो अपॉइंटेड है, जिसको हमने चुनाव में इतना बढ़ चुका है, काम करना ही नहीं चाहते लोग हर जगह। क्या होते हैं शहर के अपने जो होते हैं मेयर के अंडर, मेयर के अंडर जो होते हैं, ये नगर आयुक्त होते हैं, नगर आयुक्त तो बड़ी पोस्ट हो गई, जो हमारे नहीं नहीं ये सभासद लेवल पे इन सब को एक किनारे बांध के रख देना चाहिए और डायरेक्ट आके ऑफिसर नगर निगम का देखे काम क्या हो रहा है। चुनाव बाद सभासद आते भी नहीं है क्या? कुछ नहीं आते, कभी नहीं आते किसी एरिया में। कि ये हाल है कि नगर निगम के जो जो झाड़ू वालू जो ये होते हैं, इनको इनकी सैलरीज मिलती हैं, बट अगर हमें इफ़ यू वांट कि हमारे घर के सामने सफाई रहे, वी हैव टू गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा, अदरवाइज वो करते ही नहीं है। मतलब हर जगह एवरी वन इज आस्किंग फॉर मनी, हर सेकेंड पर्सन सैलरी के अलावा उनको चाहिए तब काम होते हैं। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? तो सब इन लोग की जिम्मेदारी है ना, ये लोग अपना कर। तो एक बजट है, उस बजट को उन्होंने अपने हिसाब से बना देना। हम लोग रोज पैसा भाई हमारा, चलो कोई बात नहीं, आज सब्जी महंगी है, आज मौसम खराब है, ईश्वर की कृपा से इस वर्क से हम लोग हैं कि इन चीज़ों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर अब उलझन हो रही है कि हमको भी 10 साल हो गए देखते हुए, हम लोग शाबाश शाबाश करते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए, और अब हमें ही पता चल रहा है कि हम कुछ नहीं है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। गंदगी का ढेर बना हुआ है, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए हो। अरे यार, आके एक गलियां देखो तो सही, पेपर में सब कुछ करना है आपको, हर चीज पेपर में। गवर्नमेंट कह रही है कि इस बार बजट में महिलाओं पे ज्यादा फोकस किया है, युवाओं पे ज्यादा फोकस किया गया है, ऐसा दिखता तो नहीं है। लोअर वालों पे भी किया है, लेकिन ये सर्व सारा कुछ ऑन पेपर ही होता है, एग्जीक्यूट बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ ऑन पेपर है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप चेक होना चाहिए, तब गवर्नमेंट को भी पता चलेगा असलियत क्या है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, बिकॉज वो चेक नहीं हो रहा है, खाली पेपर पे आ रहा है बट नहीं हो रहा है। कि 10 साल से हम देख रहे हैं बजट आ रहे हैं, पर किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा बजट आ रहा है। नहीं हो रहा, हम सेटिस्फाइड। सड़क बनती है, हमारे घर हम अलीगंज में रहते हैं, वहाँ पर सड़क बनी है, पूरी सड़क का पैसा दिया जाता है। उसमें उन्होंने क्या किया, जैसे इतनी चौड़ी सड़क है तो आधी सड़क बना दी, आधी छोड़ दी, अभी तक वो मैंने 3 साल से ऐसी पड़ी हुई है। अलीगंज में कहाँ रहते? सेक्टर के में जी, बिल्कुल आधी सड़क बनी है, उसमें दिख रहा है आधी ऊंची। अब टू व्हीलर वाले कभी इधर उधर हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं ऐसे में। बजट को लेकर गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद तो ज़रूर होगी आपकी? हाँ, वो तो हमेशा ही रहती है कि अब कुछ अच्छा होगा, कुछ होगा। हाँ, देर आर थिंग्स जो चेंज हो रहे हैं, हम ये नहीं बोले कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है,
बट गवर्नमेंट चेक भी करना उनकी ही ड्यूटी है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप खाली कर दोगे, आप हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट ये है कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ये भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अगर आप नहीं देखेंगे, करप्शन इतना है कि हर किसी को नहीं देखेंगे तो वो लागू हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती नहीं है, बस ऑन पेपर वो सब चलता रहता। इतना करप्शन हो रहा है कि मतलब जब अंदर हमें लगता है अगर गवर्नमेंट खुद जाके खुद हर चीज़ का वो करके देखे ना पास जाके, तब उन्हें समझ में आएगा कहाँ पे हम लोग किस बात की तरफ। यूपी के जो मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना और बृजेश पाठक के उप मुख्यमंत्री, वो लोगों ने तो बजट का स्वागत किया है, सरकार की तारीफ की है, कहा है बजट बहुत अच्छा है इस बार का। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ बोल देंगे, अभी हम लोग ही नपच जाएंगे भैया। सरकारी देखिए वो नेता हैं, सरकारी आदमी हैं, वो तो खुश होंगे ही ना उनको, वो क्यों हम लोग बिल्कुल। और कंट्री हम लोग फ्री हैं, हम लोग अगर हमें वो गलत लग रहा है तो हम बोलेंगे गलत, अच्छा सही लग रहा है तो हम सही बोलेंगे, उसमें कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि ये सब सामने है। हम लोग आज तक जितने बजट आए हैं किस वित्त मंत्री ने किस गृह मंत्री ने उसकी तारीफ नहीं की होगी, आप बताओ, आपसे ज़्यादा हमारी उम्र है नहीं की ना, ये ट्रेंड है, आप हमसे पूछ के क्या करा लोगे, कुछ भी नहीं। मतलब ये कह सकते हैं इस बार के बजट से आप लोग संतुष्ट नहीं है, मतलब बहुत बेसिक है, कॉमन है, एक हर बार एक नया टाइप का टाइटल के अंदर हम लोग आ जाते हैं, है वही का वही, कुछ नया नहीं है। प्रदेश पे तो इस बार फोकस किया गया बजट में, नहीं वो लोग तो बिहार का तो बजट के अलावा इतना बजट बनाए रहते हैं, उन लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, बजट की कोई औकात नहीं है उनके लिए, बिहार में जो ट्रेंड चला आ रहा है। लेकिन हाँ ये है चेंज, बस बेसिक यही है, आप जो बनाओ आप आके देखो तो सही, प्लट करके एक बार निर्मला जी पता तो कर लें किसने कहाँ क्या किया है, ग्राउंड वर्क से तो जुड़े कागज के अलावा, उन्होंने बना के दे दिया, मान लो हमारे हस्बैंड गए 1,00,000 रुपए मेरी तनख्वाह है 20,000 तेरे, तो मेरे तो जब होंगे जब मेरे हाथ में आएंगे, फिर काहे के तेरे। क्या अपील करेंगे अच्छा गवर्नमेंट से? हम यही बोलेंगे कि वो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वो काम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब और काम आगे बढ़ाने के बजाय पहले इनको बेस से सही सुधारा जाए, इन कामों को जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, जो कि आप हम जैसे लोगों से और बाकी लोगों से आप अगर उनके जैसे आप ले रहे हो बाइट ऐसे लेकर के आपको एक्चुअली असलियत का पता चलेगा, तो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, एवरीवेयर देर इज़ लॉट ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट को अब इस पर वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ और न्यू इम्प्लीमेंटेशन, हाँ करप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग अंडर डेवलप्ड भी बड़े खुश थे, आज हम लोग फिर से साइकिल चलाते हैं अपनी सेहत के लिए, हमें दिक्कत नहीं है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, और ईश्वर की कृपा से सरकार की सैलरी भी अच्छी है, लेकिन सड़कें का अगर फंड आ रहा है देख तो लो भाई, नाली नाला कहीं साफ है कि नहीं, वाटर लॉगिंग कितनी है, बच्चे स्कूल में फंस जा रहे हैं, ये बजट का खाली एक लॉलीपॉप है, बिना पैसे के भी काम होता है, पर काम होना चाहिए। साइबर क्राइम पे भी हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, हालांकि ये कोशिश कर रही है सरकार, अभी उपराष्ट्रपति ने मीटिंग वगैरह भी इस पर की है, लेकिन हम चाह रहे उस पर और फोकस करें, क्योंकि जो नंबर दिए जाते हैं कंप्लेन के लिए उस नंबर पे कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है, उठाता ही नहीं है, और बाकी जो हम लोग सर्वेंट वगैरह भी रखते हैं उसमें भी वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें भी हम लोग का लिंक ओपन ही नहीं होता है, तो उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि सारी चीज़ें अगर हम ये कर रहे हैं तो सारी चीज़ें ओपन हो रही कि नहीं, उसको चेक भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये महिलाएं थी जिन्होंने इस बार के बजट के बारे में बातचीत की, फिलहाल महिलाओं का देखिए ये ज़रूर कहना है कि बजट आ तो जाता है पर उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जनिसंदन के साथ महमूद अल्लाह, आज की खबर लखनऊ।